Now in the next part of it, we need to identify terms which contain x in it and give the coefficient of it. तो हमें क्या करना है, इसमें से पहले तो टर्म्स ढूंढनी होंगी जिसके अंदर x है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो पहली टर्म हमारी कौन सी होगी, इट वुड बी वाई स्क्वायर एक्स। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स निकालना है, कोफिशियंट कैसे निकालोगे आप, एक्स के अलावा जो भी टर्म होगी दैट वुड बी द कोफिशियंट, क्योंकि न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं, कोफिशियंट बोला है इन्होंने। तो एक्स के अलावा इस पूरी टर्म में क्या है, वाई स्क्वायर है, सो दैट वुड बी द कोफिशियंट ऑफ इट। सेकेंड केस में हमारे पास एक्स किसके पास है, माइनस एट वाई एक्स के पास, और एक्स के अलावा कौन सी टर्म्स हैं यहाँ पे, माइनस एट वाई, सो दैट वुड बी द कोफिशियंट ऑफ द सेकेंड पार्ट। इन द थर्ड वन आइडेंटिफाई द टर्म विच हैज एक्स, तो पहली वाली ही है सिर्फ एक्स वाली, एंड वट वुड बी द कोफिशियंट ऑफ इट, इट वुड बी वन, क्योंकि कोई नंबर भी अटैच नहीं है। फिफ्थ केस में आपके पास कौन सी टर्म है, जेड एक्स है, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स के अलावा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज जेड। फिफ्थ पार्ट में आई हैव टू टर्म्स, एक तो एक्स हो गया और दूसरा एक्स वाई हो गया, कोफिशियंट ऑफ एक्स वुड बी वन, बट कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई वुड बी, एक्स नहीं कंसिडर करना, वाई इज द कोफिशियंट। सिक्स पार्ट वी हैव इज 12x y स्क्वायर, दैट्स द नंबर विच हैज एक्स इन इट एंड कोफिशियंट एक्स के अलावा, 12 भी है वाई स्क्वायर भी है। देन वी हैव इज द नेक्स्ट वन विच इज लाइक द सेवेंथ पार्ट टू इट, एंड देन दे आर सेइंग वी हैव 7x एंड वी हैव एक्स वाई स्क्वायर। एक्स का कोफिशियंट क्या हो गया पहले केस में 7, एंड सेकेंड केस में एक्स का कोफिशियंट क्या हो गया, इट वुड बी वाई स्क्वायर। नाउ द सेकेंड पार्ट टू, सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना है कौन सी ऐसी टर्म्स है जिसके अंदर वाई स्क्वायर है और उसका कोफिशियंट लिखना है। फर्स्ट केस में आई कैन सी दिस इज द टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर वुड बी, वाई स्क्वायर के अलावा क्या है हमारे पास, माइनस एक्स। सेकेंड केस में हमारे पास फाइव वाई स्क्वायर इज द, और फाइव वाई स्क्वायर में फाइव इज द एक्स्ट्रा थिंग कोफिशियंट वी हैव। एंड द थर्ड वन यू हैव इज वाई स्क्वायर वाली टर्म, this and this is there, so we have minus 15 x y square, and the second term we have is 7 y square, so y square से पहले वाली term हमारी क्या होगी, apart from it it is minus 15 x, and second situation में हमारे पास y square के अलावा क्या दिया हुआ, it is 7, so we can understand कि हमारा इस situation में answer क्या आएगा, it would be 7।